रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जर्मन से एक मेरी फ्रेंड मेरे लिए गिफ्ट लेके आई थी सीड, कुछ काफ़ी वैरायटी के सीड थे, लेकिन उनमें कुछ ये मेरे गेंदा मैरीगोल्ड के भी थे, तो मैंने उनको ग्रो भी किया, आप लोगों के साथ शेयर भी किया कैसे वो सीड थे, कैसे कैसे वो ग्रो हुए, वो सारा आप लोगों के साथ शेयर किया था। लेकिन आज जो है मैं ये जो वीडियो है मैं इनको ट्रांसप्लांट करने लगी हूँ, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं काफ़ी लैगी हो रहे हैं, अब इन्हें ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। तो कुछ ये मैं ट्रांसप्लांट करूँगी, कुछ मैंने कटिंग से ग्रो किए थे, काफ़ी अच्छे हैं, ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। तो इंशाल्लाह इनको भी अब ट्रांसप्लांट कर देते हैं। कुछ मुझे गिफ्ट मिले थे प्लांट्स, यहाँ पर ये देखें, ये मुझे कुछ प्लांट्स जो हैं गिफ्ट आए थे, 3-4 दिन एक्चुअली पहले आए थे, कुछ मुझे याद भी नहीं है, लेकिन मैंने इसी तरह उनको पानी में रख दिया था। तो आज ये भी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये जो है इनका ट्रांसप्लांटिंग कैसे करना है, सॉइल कैसी तैयार करनी है, वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलें अब चलते हैं यहाँ पर। ये देखें मैंने जो है इनकी सारी तैयारी कर ली है, ये सॉइल तैयार कर ली है, ये पॉट हैं जितने जो हैं, बस अब इनमें से ट्रांसप्लांट इन पॉट्स में हो जाएंगे, इनमें कर देते हैं, बाकी ये जो हैं अपने गार्डन में ट्रांसप्लांट कर दूंगी। पॉट्स में तो अभी मेरे कोई इतनी ख़ास स्पेस नहीं है, मैंने ये देखें शॉपर्स में भी लगा के इनमें भी सीडलिंग जो है ट्रांसफ़र कर दी है, और पॉट्स में भी और शॉपर्स में भी और हर जगह, तो इसलिए बस अभी कुछ स्पेस भी नहीं मुझे मिल पा रही। तो इंशाल्लाह जब ये कुछ चल पाएंगे तो फिर इनको बड़े पॉट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। वैसे भी जितनी भी सीडलिंग होती है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि छोटे पॉट्स में आप इसको ग्रो करें, जब सीडलिंग अच्छी तरह ग्रो हो जाएगी तो फिर हम इसे बड़े प्लांट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलें अब मैं साथ साथ जो है इन प्लांट्स को ट्रांसफ़र करती हूँ, आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती हूँ। और ये देखिए मेरा बढ़िया सा गार्डन कैसा लगा, बहुत प्यारी अभी भी फ्लावरिंग मेरे गार्डन में हो रही है। टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ मैं अपना गार्डन तो शेयर करती ही रहती हूँ, लेकिन आज कैसा लगा, मेरे फ्लावर कैसे लगे, मेरा गार्डन कैसा लगा, ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ये देखिए अब मैंने सब जो हैं अपने प्लांट्स ट्रांसफ़र भी कर लिए हैं, इन पर पानी भी अप्लाई कर दिया है, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो प्लांट हैं वो अभी ट्रांसफ़र करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी शाम हो चुकी है, तो मैंने सोचा छत वाली गार्डन के जितने भी प्लांट्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये जो है इंशाल्लाह अब मैं अपने वेजिटेबल गार्डन में ग्रो करूँगी। तो चलिए अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।